आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, तुम्हारा क्वेश्चन है कि मैच द गिवन एंट्रीज इन कॉलम ए विद द एप्रोप्रिएट वन इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ हमें टर्म्स दिए, उसको मुझे कॉलम बी से मैच करना है, राइट? वो भी एप्रोप्रिएटली। थियोरेटिकल क्वेश्चन है और बिना लॉजिक का है, बिना फॉर्मूला का है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला है द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। वॉल्यूम ऑफ स्टोन पूछा, स्टोन की वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और ये मुझे निकालनी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्योंकि ऑप्शंस में वही मैच कर रहा है सबसे ज्यादा। तो ये प्रिंसिपल क्या है बेसिकली? प्रिंसिपल होता है कि द डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ वाटर बिफोर एंड आफ्टर मेजर ऑफ द स्टोन। यानी कि ये अगर ग्लास है, इसमें ये वाटर है, राइट? ये इसका वॉल्यूम था लेट्स से एच, एंड अब मैंने इसमें एक स्टोन इमर कर दिया, तो इसका ये स्टोन है और इसका वॉल्यूम, इसका हाइट हो गया एच डैश। तो बेसिकली इस स्टोन की वॉल्यूम क्या होगी? बेसिकली स्टोन की वॉल्यूम ऑफ स्टोन होगी कि इसकी लेट्स से इसका एरिया है, बेस एरिया है ए। तो जो फाइनल वॉल्यूम है बेसिकली ए ऑफ एच डैश माइनस ए ऑफ एच, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, वो होगी वॉल्यूम ऑफ स्टोन, राइट? तो ए का आंसर मेरा क्या आ रहा है, मैं आंसर्स लिखता हूँ, लिख लेता हूँ इस साइड। ए का आई एम गेटिंग एज, ए का आई एम गेटिंग ई ई। ओके, अगला है वैसा यूनिट ऑफ वेट। वेट की ऐसा यूनिट केजी होती है, तो बी का आई एम गेटिंग एज ई, बी का आई एम गेटिंग एज ई। एंड वन बाय वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 10^6 केजी। मुझे पता है एक केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, राइट? एक ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? एक ग्राम में होते हैं अगेन 1000 मिलीग्राम्स। बेसिकली यही पूछा है कि मिलीग्राम जो है, अगर मैं उससे रिलेट करूं, तो 1 मिलीग्राम इज 1/10^6 केजी। तो सी का आंसर इज एफ, सी का आंसर इज एफ। अब बचा डी, कॉमन बैलेंस। कॉमन बैलेंस क्या होता है बेसिकली? कॉमन बैलेंस, इसको हम फिजिकल बैलेंस ही बोलते हैं। तो ये एक डिवाइस होता है बेसिकली, जो कि मास फाइंड करने में काम आता है ऑब्जेक्ट्स के, सिर्फ मास, वेट नहीं बताता, नॉट वेट। वेट के लिए नो, वेट बताता है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस हमने सुना होगा, स्प्रिंग होती है, तो जिस टाइप से स्प्रिंग बैलेंस एक वेट बताता है, उसी टाइप से कॉमन बैलेंस एक और डिवाइस है जो मास बताता है। दैट्स व्हाई डी का आंसर इज बी, डी का आंसर इज बी। बचा ई, डेंसिटी बॉटल। डेंसिटी बॉटल का होगा द स्टॉपर हैज अ कैपिलरी ट्यूब। ई का है जी। एफ, हाइट ऑफ अ माउंटेन। अब देखो एक ना मेथड होता है ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलेशन मेथड। उसमें क्या करते हैं, तीन पॉइंट लेते हैं हम कोई भी सरफेस पे, लेट्स से ये था मेरा माउंटेन, राइट? तो मैं तीन अलग अलग पॉइंट से इस माउंटेन की पीक को ऑब्जर्व करूंगा, पहले यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, और मैं देखूंगा कि जो जो, क्योंकि मुझे तो इन पॉइंट्स के बीच का तो डिस्टेंस पता है। आई नो दिस डी, आई नो दिस पी, आई नो दिस क्यू। मुझे फाइंड करना है ये जो एच है, तो ये फाइंड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रायंगुलेशन मेथड से तीन जगह से देख के एंगल फाइंड करके और ट्रिगोनोमेट्री यूज करके एच फाइंड हो जा सकता है बेसिकली। इसलिए हाइट ऑफ माउंटेन एफ का आंसर इज ट्रायंगुलेशन मेथड सी। सी एक और बच गया, कन्वेक्शन करंट, तो उसका होगा आंसर डी। तो जी का इज जी। कन्वेक्शन करंट बेसिकली, जब भी आपने देखा होगा पानी गर्म कर रहे हो, तो ठंडा पानी जो है नीचे आता रहेगा, गर्म पानी ऊपर जाता रहेगा, वो होता है कन्वेक्शन करंट की वजह से, क्योंकि कोल्ड वाटर सिंक्स डाउन, हॉट वाटर राइजेस अप। इसका रीजन है कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन मतलब जो ज्यादा एनर्जी के है वो आगे बढ़ते रहते हैं, राइट? क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।